अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। तो मैंने कहा कि इसकी भी रेसिपी क्यों ना मैं आपको बता दूं, तो बनाने लगी हूँ मैं करेले गोश्त। अभी मैंने गोश्त धो के ये ऊपर रखा है, ये है गोश्त जी। अभी ये लहसुन चाहिए मुझे, टमाटर चाहिए, 3 प्याज चाहिए और ये करेले हैं। तो अभी मैं इनको छीलती हूँ, तो छील के फिर दिखाती हूँ सारा कुछ। और गोश्त भी मैंने पानी में रखा है, धो के रखा हुआ था, तो फिर मैं जैसे ही रखती हूँ तो आपको बताती हूँ कि कैसे बनता है करेले गोश्त। इसके लिए मैंने ये प्याज रखा है काट के, टमाटर है और करेलों को मैंने नमक लगा के रखा है। बाकी सारे ये लहसुन है जो कि मैं इसमें अभी डाल दूंगी। और इसमें मैं आधा प्याज डालूंगी क्योंकि आधा मैं फ्राई करके डालूंगी। और इसमें ये जीरा जाएगा 1 स्पून, 1 स्पून जीरा पाउडर जाएगा और 1.5 स्पून ये रेड चिल्ली पाउडर जाएगा। ये जाएगी धनिया पाउडर जाएगा, 2 स्पून तकरीबन है ये जाएगा। ये करेले के जो कि मैंने गोश्त में डाल रही हूँ वो है। इसमें 1 जाएगी चम्मच जी ये हल्दी पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा माशाल्लाह लगता है, हांडी की शान है। ये नमक जाएगा, ये नमक मैं थोड़ा सा डालूंगी, 1 स्पून हो गया है क्योंकि करेलों में भी नमक होता है। तो इसमें ये सब चीजें गई हैं, टमाटर वगैरह, ये सब्ज मिर्चें मैंने हर चीज काट के रखी है। ये जैसे कि मैं भूनूंगी, करेले फ्राई करके डालूंगी तो तब साथ में डालूंगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें फ्रेश अदरक लहसुन जी। ये मेरा बन रहा है करेले गोश्त का मीट, पक रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, ये ना मैं बना करेले का गोश्त बस होने ही वाला है क्योंकि पानी खुश्क होने वाला, थोड़ी देर में हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने रख दिया है कढ़ाई करेले फ्राई करने के लिए। ये है, उधर दिखाती हूँ, ऐसे कढ़ाई फ्राई करने के लिए। तो इसमें मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, मे बी ऑयल गर्म हो गया हो, हाँ होने वाला है बस, ठीक है। तो करेले फ्राई करके तो उतनी देर में गोश्त भी हो जाएगा, तो मैं भून लूंगी। अब करेले जो हैं ये हो गए हैं, या बाकी के भी मैं धो के ले आई हूँ, तो ये इसमें इसके अंदर डालने लगी मैं। अब ऐसे करके ये सारे डाल गए इसके अंदर रुमाल के साथ से, दो रह गए हैं बस। अब इनको हमने हिलाना है, जैसे जैसे होते जाएंगे ना, तो मैं ऐसे ही फिर ये प्याज भी डालूंगी इसके अंदर। ये मेरे प्याज काटे पड़े हैं इसके लिए, और टमाटर भी काटे पड़े हैं, सब सब्ज मिर्चें और साबुत मिर्चें, ये भी इसमें डाल देती हूँ। बहुत मजे के बनते हैं ये करेले, करेले गोश्त मतलब। करेले खाली प्याजों में भी बनते हैं, करेले दाल करेले भी बनते हैं, कीमा भर के भी करेले बनते हैं, चिकन भर के भी करेले बनते हैं। जैसे मतलब आपको पसंद है वैसे ही बना सकते हैं आप। और अगर पसंद आए तो पूछना कि कैसे बनते हैं, मैं उसी वक्त बता दूंगी और बना के भी दिखा दूंगी दोबारा से, क्योंकि ये वीक में एक दिन मेरे घर में बनते ही हैं। मैंने करेले कर लिए हैं इस बड़ी वाली हांडी वाले कुकर पे, और इधर मैंने कर लिया हल्की वाली पे मीट, क्योंकि मीट का तो अभी भून के मसाला ही बनना है। करेले और प्याज ने अभी दोबारा से होना है फ्राई, मतलब फ्राई होके कलर होके अच्छे तरीके से बनना है, इसलिए मैंने ये कढ़ाई इधर कर ली है और हांडी जो है मेरी मीट वाली वो मैंने इधर कर ली है, वो भी पक रही है। अभी इसमें थोड़ी देर में मैंने प्याज डाल देने हैं। करेले जो है कलर चेंज कर चुके हैं, अब टाइम हो गया इसमें डालने का प्याज। इसमें मैं डालूंगी प्याज दो पीस, इसके साथ ही ब्राउन हो जाएगा।
जैसे ही करेले रेडी होंगे वैसे ही प्याज रेडी हो जाएंगे। अब हमारा मीट भी बस गूंद रहा है। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके, एक दो रह गए हैं जो साइड में थे। जैसे ही करेले हो जाते हैं तो मैं हांडी इधर ले आऊंगी, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको मिक्स करते हुए, भून के अच्छी तरह मिक्स करते हुए, भूनते हुए और मिक्स करते हुए। ठीक है, ये लें जी हमारे करेले जो हैं वो तो हो गए हैं प्रॉपर माशाल्लाह अच्छे से गोल्डन, और प्याज भी हो गए हैं। अब इनको अगर हमने नहीं निकाला तो हांडी में ये सख्त हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। इसको हम निकाल देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो ऑयल है बचा हुआ ये मैं डाल दूंगी हांडी में। माशाल्लाह देखें गोश्त का कलर कितना अच्छा हो रहा है, गोश्त का कलर एंड करेले उससे भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तभी थोड़ी देर में बस जैसे ही हमारा गोश्त भून जाता है तो मैं अंदर डाल दूंगी करेले और दमदार दे दूंगी। तो ये ले जी मीट हमारा अच्छी तरह भून चुका है, जितना भी कहो माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल वाला है। कैमरे में फिर थोड़ा लगता है मगर वैसे फ्रेश में बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है मेरा मीट, और अब मैं इसमें डालूंगी करेले। दो मिनट और मैं इधर उधर हिलाने हैं मैंने, तो मैंने डाल देने हैं करेले जी। अब मीट हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा भून चुका है, ये देखें इतना अच्छा कलर भी आ रहा है। और अब इसमें क्या करेंगे हम, वाह जी वाह माशाल्लाह, इसमें हम डालेंगे करेले। मेरे घर में सबकी फेवरेट करेले गोश्त, मेरे घर में सबकी फेवरेट करेले गोश्त, दाल करेले, चिकन करेले, हर चीज जिसमें भी करेले पड़े हैं वो सारी हांडी मेरे घर के सब बच्चों को, मेरे बच्चों को पसंद है। आज बन गया करेले गोश्त। तो फ्रिज में मैंने देखा है तो मुझे मिल गया एक बैंगन, जो कि बैंगन मिल गया। तो फिर मैंने देखा मुझे मिल गई ग्रीक योगर्ट भी, मैंने कहा इसका रायता बनाती हूँ। प्याज मैंने काट के रखा है, पैन मैंने ऊपर रख दिया, इसमें डालती हूँ ऑयल। तो ऑयल डाल के इसको इसमें बारीक बारीक ये जो बैंगन है ये काट के डालूंगी। जैसे ये सारे हो जाएंगे तो फिर मैं दूंगी कोयल की स्मोक, वो करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है रायता। ये देखें ये हमारे बैंगन जो हो रहे हैं ये दो तीन हो चुके हैं, ये बहुत नरम हो चुके हैं। ये देखें इसमें मैंने ये साइड में रख के यहाँ कोयल रख के तो दूंगी इसको कोयल करूंगी स्मोक दूंगी। अभी ये बन जाए सारे, छोटे छोटे पीस थे मैंने डाल दिए, मैंने कहा ये भी हो जाएंगे। तो इनमें अभी ना ऑयल और डालना पड़ेगा, बैंगन ऑयल बहुत ज्यादा लेते हैं। साथ मैंने वो ऑयल भी रखा हुआ है, वो भी मेरा स्मोक हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी हो जाता है। बन रहा है मेरा स्मोक किया हुआ बैंगन का रायता। छोटे
पे दो पीस बचे थे साइड से, मैंने वो भी डाल दिए हैं। ओके, बैंगन मेरे पास बहुत कम है, मैंने अपने लिए सिर्फ बनाना है। बनता है तो मैं दिखाती हूँ। पूरा है बस, थोड़ा सा रह गया है, एक पीस वो रह गया क्योंकि ये एक ही था तो ये जल्दी से हो गया पीस। अब इसकी मैंने ये फॉइल रखी है, इर्द गिर्द ये रख दूँगी ना, थोड़े से जो हैं थोड़ा सा ही बनाना है मैंने। तो ये बैंगन रखूँगी, उसके थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि इतनी है बैंगन नहीं है इतना, बस इतनी बहुत है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के। ये इतनी अच्छी प्लेट पकड़ी मैंने और इसमें ऐसे किया, जितनी भी स्टीम है इसको धुआं ऐसे हो गया, इसके अंदर सारा जो इसके स्मोक इसके अंदर चली गई है। तो अब इसके बाद ये योगर्ट है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक डाल के इसको करूंगी मिक्स। इसके ऊपर रखती हूँ मैं, इसमें करूंगी मिक्स और डालूंगी थोड़ा सा जीरा। अभी वो देती हूँ ना धुआं, देती हूँ जब निकालती हूँ तो फिर डालती हूँ इसमें। डालती मैं थोड़ा सा जीरा जो कि इसमें अच्छा लगेगा, इतना बहुत है। और फिर लगाऊंगी तड़का, जब मैं इसमें बैंगन डाल लेती हूँ तो दिखाती हूँ कि तड़का मैं इसे कैसे लगाती हूँ। अब मैं ये जो है ना इसको निकाल के रखती हूँ इस तरफ, और ये जो बैंगन है इसमें सारा ऐसे रखती हूँ। तो इसके ऊपर डालूंगी मैं योगर्ट जो कि मैंने प्याज और नमक डाल के बनाई है, जीरा भी। सारे को कवर कर दूंगी। ऊपर फिर मैं रखूंगी बैंगन, इसके ऊपर मैं फिर डालूंगी योगर्ट, जो सारी बात रह गई है वो इसके ऊपर डाल दूंगी। योगर्ट बना, योगर्ट जो कि वो मैं बना रही थी उसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी सब्ज मिर्च बारीक सी काटी है, उसके लिए मैंने अभी तड़का बनाना है। तो तड़का मैंने वही जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए हैं, ये देखिए ऑयल रखा है, ये पड़ा है अभी क्योंकि अभी मेरा ये गोश होने वाला है, थोड़ी थोड़ी देर रह गई है पानी में करेले गोश में। इसके साथ ही मैंने ये तड़के का रखा है ऑयल, इसमें मैं डालूंगी दो तीन ये मिर्चें, जो कि रेड रेड मिर्चें, ये देखिए हो रही हैं। ये खाने की नहीं है, ये सिर्फ तड़के के लिए है, ऊपर से निकाल लेनी है क्योंकि इनका फ्लेवर जो है ना वो ऑयल में आ जाएगा, क्योंकि ये होती है बहुत ही कड़वी। अल्लाह, ये तो मुंह में आ जाए ना तो नानी याद आ जाती है।
अच्छी है, इसके साथ मैं लूंगी थोड़ा सा जीरा, जो कि देखिए ना ये जीरा भी हो रहा है मेरा और मिर्चें भी, बल्कि हो चुका है। अगर करी पत्ता इसमें हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है ना, इतना टेस्ट अच्छा आता है मैं बता नहीं सकती, मगर मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो बेटा गया हुआ है चीज़ें लेने सारी तो शॉपिंग करने के लिए, तो माशाल्लाह इतना अच्छा यही बनेगा कि बना के देखें और खा के देखें, यकीन माने आप मुझे ये बना के ज़रूर बताएंगी कि ये कैसे बना आप सब। ये देखें अभी इसके ऊपर ये देखिए, ये जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, ये मेरी फरमाइश पे बनाएं और खा के देखें। थैंक यू, और मुझे सब्सक्राइब भी करना, मुझे वॉच भी करना, और मुझे लाइक भी करना, मुझे शेयर भी करना, ठीक है।